दोस्तों आज की वीडियो में आपको बताऊंगा कि YouTube अवार्ड्स कितने तरह के होते हैं और ये कब और कैसे मिलते हैं। दोस्तों YouTube क्रिएटर्स को जो वीडियोस अपलोड करते हैं या लोगों को एंटरटेन करते हैं, वो चाहे किसी भी कैटेगरी में हो, जब एक नंबर्स को हिट करते हैं जो YouTube के द्वारा तय किया गया है, जब वो उस सब्सक्राइबर्स नंबर को हिट करते हैं तो YouTube उनको एक अवार्ड देता है जिसे ऑफिशियली नाम हम बोले तो YouTube प्ले बटन कहते हैं। दोस्तों ये अलग अलग नंबर ऑफ सब्सक्राइबर्स को हिट करने पे मिलता है। तो दोस्तों आज की वीडियो में आपको यही बताऊंगा कि कितने सब्सक्राइबर्स को हिट करने पे YouTube कौन कौन से प्ले बटन देता है, उनके नाम क्या है। दोस्तों तो अभी तक दोस्तों 5 तरीके के YouTube प्ले बटन्स आए हैं। तो दोस्तों अगर आप सारा जानना चाहते हैं 100 मिलियन सब्सक्राइबर्स के लिए कैसा प्ले बटन आया है, टी सीरीज के लिए कैसा प्ले बटन आया है, दोस्तों मैं आपको सब कुछ बताऊंगा इसी वीडियो में। और आगे बढ़ने से दोस्तों पहले मैं बताना चाहूंगा, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक कर देना दोस्तों आखिरी में देखने के बाद, और इस वीडियो को शेयर कर देना। तो दोस्तों अब मैं बताता हूं कि YouTube प्ले बटन कैसे मिलता है और कितने नंबर ऑफ सब्सक्राइबर्स को हिट करने के बाद मिलता है। तो पहले नंबर पे आता है हमारा YouTube सिल्वर प्ले बटन। हां दोस्तों पहले नंबर पे आता है हमारा YouTube सिल्वर प्ले बटन, और ये क्रिएटर्स को तब दिया जाता है जब वो 100K सब्सक्राइबर्स को हिट करते हैं। दोस्तों हाँ दोस्तों जब कोई क्रिएटर 1,00,000 सब्सक्राइबर्स को हिट करता है तो उसको YouTube प्ले बटन दिया जाता है। इसके लिए दोस्त जैसे ही क्रिएटर हिट करता है तो उसको YouTube फोरम में जाके अप्लाई करना होता है कि मैंने 100 क्रॉस कर लिया है, तो YouTube उसको एक कोड भेजता है एक लिंक के साथ, फिर क्रिएटर को उस लिंक पे जाके उस कोड को पेस्ट करना होता है। दोस्तों ऐसे ही लगभग हर प्ले बटन मिलता है दोस्तों सेम प्रोसेस के साथ। तो दोस्तों अब यहाँ बात आती है कि क्या हमें फीस देनी पड़ती है उस YouTube प्ले बटन को लेने के लिए। नहीं दोस्तों, YouTube उस प्ले बटन को आपको बाय पोस्ट भेजता है आपके दिए गए एड्रेस पे, जिसका YouTube कोई चार्ज नहीं लेता है। तो दोस्तों अब आता है दूसरे नंबर पे हमारा गोल्ड प्ले बटन, जो दोस्तों 1,000,000 सब्सक्राइबर हिट करने पे मिलता है। तो इसका भी सेम प्रोसेस होता है कि दोस्तों आपको यूट्यूब के पास अप्लाई करना होता है कि मैंने 1,000,000 सब्सक्राइबर हिट कर दिए, फिर यूट्यूब आपको एक लिंक देता है और एक कोड देता है, आपको उस लिंक पे जाके उस कोड को पेस्ट करना होता है, फिर 1 महीने के बाद दोस्तों आपके हाथ में आपका गोल्ड प्ले बटन आ जाता है। तो दोस्तों अब तीसरे नंबर पे बात करते हैं हम डायमंड प्ले बटन की। दोस्तों डायमंड प्ले बटन 10,000,000 सब्सक्राइबर हिट करने पे मिलता है। ये भी दोस्तों सेम प्रोसेस होता है इसका भी, और दोस्तों ये अभी इंडियन क्रिएटर्स के पास, बहुत सारे इंडियन क्रिएटर्स के पास भी आ चुका है डायमंड प्ले बटन। अब आती है दोस्तों चौथे नंबर पे यूट्यूब कस्टम प्ले बटन की, दोस्तों जो मिलता है 50,000,000 सब्सक्राइबर हिट करने पे दोस्तों। और दोस्तों कोई ये कमेंट में ऐसे मत बोलना कि उसका नाम तो रूबी प्ले बटन है। दोस्तों उसका नाम रूबी प्ले बटन ऑफिशियली नहीं है, सबसे पहले प्यूडीपाई को मिला था तो प्यूडीपाई ने उसको नाम दिया रूबी प्ले बटन, तब से दोस्तों लोग उसको रूबी प्ले बटन के नाम से जानते हैं। बट उसका ऑफिशियली नाम जो यूट्यूब के द्वारा रखा गया है वो है यूट्यूब कस्टम प्ले बटन। दोस्तों ऐसा नाम इसलिए रखा गया है क्योंकि जब भी कोई क्रिएटर 50,000,000 सब्सक्राइबर हिट करता है तो उसके जो चैनल का लोगो होता है बिल्कुल सेम उसको YouTube वैसा प्ले बटन बना के देता है, जैसा कि PewDiePie का जो आइकन है, जो उसका लोगो है, उसका ही उसके जैसा प्ले बटन मिला है, और टी सीरीज को उसके टी का बना हुआ कस्टम प्ले बटन मिला है। तो दोस्तों अब आती है पांचवे नंबर पे, जो कि 100,000,000 सब्सक्राइबर हिट करने पे मिलता है दोस्तों। उस यूट्यूब प्ले बटन का नाम दोस्तों अभी ऑफिशियली लॉन्च नहीं किया गया है और अभी तक पता नहीं चला है कि वो प्ले बटन कैसा होगा, लेकिन यूट्यूब ने ऑफिशियली ट्विटर पे टी सीरीज को बोला है कि जल्दी ही आप अपने ऑफिस में एक जगह बना लीजिए, हम आपको कुछ शाइनी और कुछ जबरदस्त भेजने वाले हैं। तो इससे अंदाजा लग जाता है दोस्तों कि यूट्यूब का जो 100,000,000 का प्ले बटन है वो शायद इन जो दो तस्वीर देख रहे हैं दोस्तों आप, इनमें से शायद कोई एक होगा दोस्तों। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आज की वीडियो में आपको बहुत कुछ जानने को मिला होगा। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना ताकि उनको भी ये पता चल सके। दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में।